आरपीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। बड़वानी जिला प्रशासन ने रेवा सकल के आसपास नोटिस जारी किया, शायद आगामी दिनों में कार्यवाही हो। और पूर्व कुछ साल पूर्व में गरीबों के मां मोटी माता के पास का बरसों पुरानी गुमटिया दुकान तोड़ दी अवैध अतिक्रमण में, और वही ओलंपिक चौराहे की दुकानें भी तोड़ी। पूरे प्रदेश में कमलनाथ सरकार कार्यवाही कर रही पर बड़व नी में रंजीत क्लब का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रशासन नपा को मुंह चिढ़ाते दिख रहा है। इस कॉम्प्लेक्स की जांच नपा और प्रशासन एक अमला क्यों नहीं कर रहा। शिकायतकर्ता अमजद मंसूरी ने समस्त दस्तावेज के साथ शिकायत की है पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। जो जांच का विषय प्रदेश में ऑपरेशन क्लीन हो रहा है पर यह कॉम्प्लेक्स निष्पक्ष कार्यवाही पर सवाल खड़ा कर रहा। अनियमितता देखने में आ रही है रंजीत क्लब। रंजीत क्लब बड़वानी, जिसकी स्थापना बड़वानी नगर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, लेकिन वर्तमान में अपने मूल उद्देश्यों से भटककर मात्र गैम्बलिंग का सेंटर बन के रह गया है। क्या शासन द्वारा गैम्बलिंग के लिए भी निर्धारित समय निर्धारित किया गया है? शासन द्वारा PWD विभाग के माध्यम से पूरा परिसर लीज पर दिया गया है और यह मुख्य रूप से क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन के लिए दिया गया था, लेकिन रंजीत क्लब खुद एक किराएदार होने के पश्चात भी उन्होंने अपने परिसर में दुकानें बनाकर विक्रय कर दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर व्यवस्था दी है कि कोई भी किराएदार किसी भी हालत में मकान मालिक नहीं हो सकता। फिर किस आधार पर PWD विभाग की जमीन, जो कि रंजीत क्लब को खेल गतिविधियों के लिए मिली है, उसको उन्होंने पूरा कॉम्प्लेक्स बनाकर विक्रय कर दिया। यह गंभीर अनियमितता का विषय होकर जांच की जाना चाहिए और जिस कार्यकारिणी के कार्यकाल में हुआ उन पर अगर नियमानुसार उचित कार्रवाई कर जांच के पश्चात कार्रवाई की जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? अमजद मंसूरी। अमजद जी, रंजीत क्लब की आपने क्या शिकायत की है? रंजीत क्लब की जो इलीगल लीज का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है, जो लीज पर ले रखी इन लोगों ने जो जमीन है, रंजीत क्लब के राइट्स में नहीं है वो, सबसे पहली चीज़ तो। और ये जो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ है वो पूरा इलीगल कॉम्प्लेक्स है, जो बिना किसी विभाग की अनुमति के निर्माण किया गया है। और यहाँ तक कि इस लीज में इस रंजीत क्लब को किसी भी प्रकार के मरम्मत या निर्माण की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस क्लब के द्वारा निर्माण जो किए गए हैं वो इलीगल तरीके से किए गए। और इनको राइट्स भी नहीं था कि इस पर ये कलर करें या फिर इस पर किसी भी प्रकार की मरम्मत का काम करें, लेकिन इन लोगों ने पूरी तरीके से उसको व्यवसायीकरण कर दिया है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है, इनको लीज पर लीज देने का भी कोई अधिकार नहीं था, जबकि इनकी जो लीज थी 12 जुलाई 1976 को इनके जो सेक्रेटरी थे रमेश चंद्र गुप्ता, उन्होंने लीज पर ली थी 13 जुलाई 2001 को इनकी लीज समाप्त हो चुकी थी। और लीज समाप्त होने के बावजूद इन लोगों ने लीज पर लीज दे करके एक शासन का जो मामला जो होना चाहिए उसका उन्होंने उल्लंघन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो ब्रिज गेम की आड़ में जो गेम हो रहा है वो एक बड़ा दुख की बात है कि यहाँ पर प्रशासन उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे द्वारा इसमें शिकायतें भी की गई थी कि जो कमलनाथ जी ने जो कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया है भूमाफिया के खिलाफ, तो इस क्लब के खिलाफ भी ये कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन इस क्लब के द्वारा किए गए हैं, इन सभी कंस्ट्रक्शनों को ध्वस्त किया जाना चाहिए और इस क्लब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो इसके राइट्स में नहीं है उसके बावजूद भी इस क्लब ने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है, तो मेरे हिसाब से कमलनाथ सरकार ने इस ओर भी विशेषकर ध्यान देते हुए इस क्लब के जो द्वारा जो इसे खेल गतिविधि के लिए दिया गया था, खेल गतिविधियों के आड़ में ऐसा एक भी खेल का संचालन संबंध बताया। होम मिनिस्टर का जिला है, इस संबंध होम मिनिस्टर को शिकायत की है? जी, होम मिनिस्टर साहब को भी मैंने इसकी शिकायत की थी और लिखित में शिकायतें की है, जन सुनवाई में भी की है। इस प्रकार से प्रदेश में माफिया को गलत कार्य करने वालों के खिलाफ कमलनाथ सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आपने इस संबंध में भी वापस से शिकायतें सरकार को अवगत करवाया गया? नहीं, अभी मैंने इसके इस संबंध में अवगत नहीं कराया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस मामले को लेकर के ही तैयारी कर रहा था और मैं बहुत जल्द इस चीज़ से अवगत करवाऊंगा ताकि इस क्लब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बड़वानी में रंजीत क्लब है जहाँ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वो भी अवैध रूप से नहीं, कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो चूंकि ये जो लोक निर्माण विभाग की संपत्ति है उससे हम लोग अभिमत लेंगे और उसके बाद सर उन्होंने रजिस्ट्री भी कर दी है दुकान में, वो मालिक नहीं फिर भी रजिस्ट्री कर दी है, उन्होंने दिखवा लेते हैं, क्योंकि चूंकि रंजीत क्लब बहुत पुराना है, पुराना होकर जो शायद PWD की बुक में भी दर्ज है और उसको पूरा वो जो करने के बाद ही